हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लॉस्ट डैम के एक छोटे से यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं वीडियो की एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी वीडियो की एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आपने कोई आईपैड लिया है, गेमिंग के लिए आईपैड लिया है, अगर आप उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके गेमिंग रिकॉर्ड करते हो या फिर पबजी का कोई भी गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो किसी भी गेम का, तो वो रिकॉर्ड होती है 4:3 रेशियो में। अगर आप उसे यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो तो उसको आपको 16:9 रेशियो में करना पड़ेगा, तभी जाकर वो फुल स्क्रीन में प्ले हो पाएगी। वरना अगर आप 4:3 रेशियो में प्ले करते हो तो यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा नहीं दिख पाता, वो 4:3 रेशियो में ही चलता है, फुल स्क्रीन में नहीं चलता। तो उसे आप कैसे फ्री में बिल्कुल आप 16:9 रेशियो में स्ट्रेच कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये बिल्कुल फ्री है। वैसे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गए होंगे, बताया गया होगा कि वो पेड किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज करो, जैसे लुमा फ्यूजन का यूज कर लो या फिर प्रीमियर रस का यूज कर लो, उसमें आपको 16:9 रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आप किसी भी एंड्रॉयड में वो ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप कैसे किसी भी एंड्रॉयड से आप 4:3 रेशियो को आप 16:9 रेशियो में चेंज कर सकते हो और अपने गेम प्ले को आसानी से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। चलिए हम बात करते हैं कि किसी भी अपने वीडियो की जो 4:3 रेशियो उसको 16:9 रेशियो में कैसे कन्वर्ट करे। तो सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, जो कि बहुत ही फेमस वीडियो एडिटर ऐप है, सिंपली हम उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पावर डायरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सर्च कर रखा है पावर डायरेक्टर, तो आप यहाँ से सर्च कर लेना पावर डायरेक्टर, देन यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और आप लोग तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पावर डायरेक्टर ये कितना बड़ा फेमस एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूँ। और मैं अपने आईपैड का जो भी गेम प्ले होता है मैं इसी से, सिंपली से आपको अगर आप पोर्ट्रेट मोड में खोलते हो इस पावर डायरेक्टर को, नीचे की तरफ तो आपको सेटिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर सिंपली से क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का टाइटल दे देना है और 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो आपने अपने आईपैड वाली जो गेम प्ले है, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है और अपने एंड्रॉयड में जो ट्रांसफर किया आपने, सिंपली से आपको क्या करना है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो वो सब आईपैड की गेम प्ले है और वो है 4:3 रेशियो में, जो कि मैंने खेल के रिकॉर्ड किया है। तो मैं कोई भी यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सबसे कम टाइम का वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो फोन है वो लैग ना करे। तो यहाँ पे मैं 4 मिनट की जो वीडियो है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये 4:3 रेशियो में चल रहा है, तो इसे हम 16:9 रेशियो में कैसे करें। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कलर ग्रेडिंग कैसे करें ताकि बहुत ही अच्छी वीडियो दिखे, जैसे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर की वीडियो दिखती है कलरफुल वीडियो दिखती है, एकदम क्लीन वीडियो दिखती है, इसे आप कैसे कर सकते हो। सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है, अपने क्लिप पे क्लिक करना है, देन आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद इधर की तरफ स्लाइड करना है, राइट की तरफ, देन यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिख जाएगा जूम इन जूम आउट। तो आपको जूम आउट पे क्लिक नहीं करना है, जूम इन पे क्लिक करना है। जूम इन पे क्लिक करने के बाद एक बार और क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको चेन का ऑप्शन दिख जाएगा, देन चेन वाले ऑप्शन बीच वाले पे क्लिक करना है, देन राइट वाले हाइट रेशियो पे आपको क्लिक करना है। हाइट रेशियो को आपको सबसे नीचे ले जाना है, यानी कि 0 कर देना है। देन विड्थ रेशियो पे आपको क्लिक करना है, फिर से विड्थ रेशियो पे आपको नीचे की तरफ इसको स्लाइड करना है, देन इसको 57 पे ला देना है ताकि फुल स्क्रीन में दिख जाए। वैसे आप अपने अनुसार इसे कर सकते हो स्ट्रेच, जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो। तो मैं इसे 57 रखता हूँ ताकि जो फुल स्क्रीन में पूरा एडजस्ट हो जाता है और ये 4:3 रेशियो से 16:9 रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा वीडियो कन्वर्ट होता है। आप जितना भी वीडियो यूज कर रहा हो, जितना भी एक साथ क्लिप ऐड करना चाहो, सबको आप 4:3 से 16:9 रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपली से हम क्या करते हैं, इस पर कहीं भी क्लिक करके इसे बैक कर देते हैं, देन आप प्ले करके देखते हैं। तो ये 16:9 रेशियो में हमारा जो वीडियो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसे हम कलर ग्रेडिंग कैसे करते हो, सिंपली से आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है, देन एडजस्टमेंट पे जाके आप अपनी ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, ह्यू, टेम्परेचर, टिंट, शार्पनेस, जो भी है उसे आप अपने अनुसार इसे बना सकते हो। सिंपली से हम ब्राइटनेस पे जाते हैं, थोड़ी समय मैं इसकी ब्राइटनेस कर देता हूँ। तो मैं जो भी गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ उसकी ब्राइटनेस मैं 30 के आसपास रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 29 हो गया, बट कोई नहीं, मैं 30 रखता हूँ, 30-29 चलता है। तो मैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो 36 रख देता हूँ, फिर सेचुरेशन को भी 36 कर देता हूँ ताकि जो वीडियो जो है थोड़ी से कलरफुल दिखे और क्लियर भी दिखे। मैं शार्पनेस को 5 कर देता हूँ, अगर ज्यादा शार्पनेस करते हो ज्यादा गंदा दिखने लगता है वीडियो, तो मैं इतना ही अपना वीडियोस को करता हूँ। तो सिंपली से अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हो थोड़ा सा ज्यादा लाइट आ गया। अगर मैं इसे एडजस्टमेंट में जाके पूरे से ब्राइटनेस को वो कर दूँ, सब कुछ कम कर देता हूँ, तो मेरा जो गेम प्ले है वो उतना अच्छा नहीं दिखता मुकाबले जब हमने इसकी कलर ग्रेडिंग की है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और यार सपोर्ट कर दो भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।